बरेली में कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञ लगातार एहतियात बरतने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाजार में लगने वाली भीड़ कहीं कोरोना संक्रमण को दावत तो नहीं दे रही, ये सवाल भी बना हुआ है। हफ्ते में एक दिन बाजार लगाकर अपनी रोजी की जुगाड़ करने वाले व्यापारियों की माने तो कोरोना संक्रमण के बाद बरेली में हालात बेहतर तो हुए, तो अब जैसे तैसे काम शुरू हुआ है। रविवार को शाहमतगंज में लगने वाला साप्ताहिक बाजार एक बार फिर गुलजार हो चुका है, लेकिन दुकानदारों ने बताया कि बाजार में ग्राहकों की आमद पहले जैसी नहीं। लोग आ तो जरूर रहे हैं, मगर व्यापार नहीं हो रहा। उधर तस्वीरों पर यकीन करें तो साप्ताहिक बाजार में लोग बिना मास्क के नजर आए, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखी। दुकानदार भले ही ये बात कह रहे हों कि साप्ताहिक बाजार लगने के दौरान गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, ग्राहकों से भी 2 गज दूरी और मास्क लगाने की अपील लगातार की जा रही है, मगर तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं। दूसरी तरफ सवाल रोजगार का भी है। साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले कुछ दुकानदार बात करने से बचते नजर आए। उनका कहना है कि जैसे तैसे काम शुरू हुआ है, अगर कोरोना के नाम पर दोबारा साप्ताहिक बाजार पर रोक लगी तो उनके सामने रोजगार का संकट फिर खड़ा हो जाएगा। व्यापार तो भैया बिल्कुल ही बेकार है, व्यापार में तो कुछ है ही नहीं। अब मार्केट लगी है तो अब साइड चले। मास्क के बारे में तो देखो भाई, मास्क तो हर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए, ये तो सेफ्टी है। हम भी लगा रहे हैं और दुकानदारों से भी, कस्टमरों से भी कहा जा रहा है कि मास्क लगाओ, आप मास्क का इस्तेमाल करो, डिसिप्लिन में रहो, समझ रहे हैं। सोच रहे साहब जी, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे गरीब लोग। एक हफ्ते वह लग रहा है ये, और कोरोना में इतने समय टूट चुके हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अभी तो कारोबार उठान पे नहीं है, अगर बाजार लगता रहा तो कुछ हमारे दाल रोटी का जरिया बन जाएगा। मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, दूरी बना के रख रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बाजार है तो दूरी से तो वह है ही, तो कोशिश तो हमारी यही है इस चीज़ से दूरी रहें तो ज़्यादा बेहतर है।